बीजेपी में 10 नेताओं ने ली सदस्यता। लखनऊ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने विभिन्न दलों के 10 नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। पिछली सरकार में मंत्री रहे विजय मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन की। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्य चर्चित चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अशोक कुमार सिंह का था। अशोक कुमार सिंह 1987 बैच के PCS अफसर रहे लगभग 32 वर्ष से अधिक प्रशासनिक सेवा देने के बाद लगभग 2 वर्ष पूर्व ही राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS लेकर आज राजनीति में कदम ताल करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। वकार हुसैन की खास रिपोर्ट। हम उत्तर प्रदेश सरकार में, मैंने 1990 में राज्य सरकार की सेवा आरंभ की थी और बहुत सारी सरकारों के साथ हम लोगों ने काम किया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ने बहुमत में तो सरकारों को बनाया, लेकिन उन सरकारों ने कार्य भी किया। लेकिन जैसा मेरा अनुभव रहा है कि उन्होंने कार्य किसी विशेष संवर्ग, किसी विशेष जाति के आधार पर योजनाएं बनाई और उनको कहीं न कहीं लाभ देने के लिए कार्य किया, जिससे ब्यूरोक्रेसी भी अछूती नहीं रही। वर्तमान सरकार के साथ जो मेरा अनुभव रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास लेने का कार्य करने का नारा दिया गया, वो पूर्णतः दिखाई दे रहा। और शायद इन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है और मेरा संकल्प है कि मैं पार्टी की नीतियों के साथ कार्य करूं और समाज की सेवा कर सकूं। मैंने विधानसभा चुनाव के बारे में मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी वाराणसी में ही हुई है। मैंने वहाँ एक सेवापुरी विधानसभा है, 391 सेवापुरी, तो मेरा चूंकि पहले से मेरी रुचि रही है, तो सरकारी सेवा में रहते हुए मैंने वहाँ पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्य किया है। समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।